ये वीडियो मैं खास करके अपने दोस्तों के लिए छोड़ा हुआ है, खास करके जिन दोस्तों के लिए छोड़ा है जो सूरतकल में मेरे साथ पढ़ते थे 80 और 84 के बीच में, और इन दोस्तों के लिए भी छोड़ा है जो मेरे साथ IIFT न्यू दिल्ली में भी थे। उसके साथ साथ मैं बीदर के हर व्यक्ति के साथ में ये वीडियो शेयर करना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि बीदर मेरा कर्म भूमि बन गया है काफी दिनों से। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई मैंने अभी इस अवसर क्यों चुना आपको बताने का। जब मैं स्टूडेंट लीडर था हर जगह पे, गुलबर्गा में जब PUC कॉल पढ़ते हुए SB कॉलेज में था, उसके बाद मैं सूरतकल में इंजीनियरिंग पढ़ते हुए स्टूडेंट लीडर जब बना, IIFT में जब बना, तो मेरे ऊपर एक लीडरशिप का भूख जरूर था, लेकिन किसी कारण और खास करके मेरे ख्याल से हमारा जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके लिए मैंने ये पब्लिक लाइफ का लीडरशिप मैंने चुना नहीं काफी दिनों से। लेकिन मुझे ये अंदर ही अंदर काट रहा था हमेशा कि अगर आपका कोई कॉलिंग है तो ये आपका पब्लिक डोमेन में ही है, पब्लिक सर्विस में ही है और लीडरशिप में है, लोगों को मदद करने में है। तो मैंने बहुत वेट किया, मेरे जैसे काफी कुछ आप भी दोस्त लोगों में ऐसे होंगे जो बहुत गहराई से पॉलिटिकल लाइफ में आने का सोचा होगा, लेकिन इसकी जो रियलिटीज देख के, जो हकीकत जो ग्राउंड लेवल पे है, उसको देख के काफी लोगों ने डिसीजन ये लिया होगा कि भी हमारे बस की बात ये नहीं है। जब मैं कर्नाटक की सिविल सर्विस से उत्तीर्ण होके मुझे कुछ पद भी घोषित किया गया था, उसको भी मैंने नकार के अलग अलग कॉरपोरेट्स में मैं काम करके अपना जिंदगी बसा के बच्चों को कुछ अच्छा सिटीजन होने की ताकत देने के बाद में मुझे अभी महसूस हो रहा है कि बाकी का दिन मुझे देश की सेवा में, वो भी खास करके पॉलिटिकल सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी 20-25 साल में तो ये देखा है हर सिस्टम में, हर फील्ड में हमारा देश की सिस्टम बिगड़ी हुई है। चाहे आप बिजनेस लो, चाहे आप सोशल एक्टिविटीज करना चाहो उसमें भी, चाहे आप चैरिटी के रूप में कुछ करना चाहते हो तो भी लोग आपको चुप छोड़ेंगे नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल बिगड़ी हुई है, पॉलिटिकल की जो सपोर्ट में खड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स भी पूरे बिगड़े हुए हैं, लोग भी बिगड़े हुए हैं। तो ऐसा सिस्टम में आप कैसे सरवाइव करोगे, ये आपकी एक क्वेश्चन जरूर उठता है, और शायद उसी के लिए मैंने इतना डिले कर दी। लेकिन अब मैं डिले नहीं कर रहा हूं, जो भी बाकी का मेरा युग बचा है वो देश की सेवा में रखने का एक आशा हुआ है, वो मैं पॉलिटिकल करियर बोलिए या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए जरिए देना चाहता हूं। और मैं समझूंगा कि मुझे 0.001% भी मैं ये पॉलिटिकल सिस्टम की इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करूं तो ये मेरे लिए काफी होगा, और लोगों की खास करके गरीबों के लिए अगर मैं कुछ करूं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य हो गया, और भारत के लिए कुछ करूं ये तो सबसे, मरना तो सबको है, मैं मरते मरते खुशी से मरूंगा कुछ भी भारत के लिए अगर किया तो। खास करके यही बोलना चाह रहा था कि आखिर मैंने निर्णय लिया है, और 2018 की जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैं भाग लेना चाह रहा हूं, और जो मेरे जैसे और भी कुछ लोग होंगे जिनको ऑलरेडी अपने फैमिली के दायित्व निभाते निभाते काफी साल हो गए होंगे, और अगर देश की सेवा में कुछ अगर वो अपना दिन बिना बिताना चाहते हैं तो बहुत खूब। एक भला आदमी अगर कोई बुरा आदमी को रिप्लेस करता है तो भारत माता का सेवा में ये बहुत बड़ा उपलब्धि ही नहीं है, बहुत बड़ा कार्य होता है। तो मैं
और एक बार बोलते हुए ये बोलते हुए कि मैंने निर्णय लिया है, बीदर में काफी कॉन्स्टेंसी में काम कर चुका हूं, लेकिन मेरी कॉन्स्टेंसी भी मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन अब पॉलिटिकल लाइफ में आके मेरा प्रिंसिपल बरकरार रखते हुए कुछ देश की सेवा अगर किया तो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है, मान के मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं।